हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है बीए। बीए का मतलब क्या हुआ? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हुए, बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बिजनेस क्या होता है? तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ? तो बिजनेस इज अ लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप जो लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, इट इज नोन एज बिजनेस। लेकिन यहाँ पे मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको बिजनेस स्टार्ट करते ही प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका बिजनेस का मेन मोटिव है? नहीं। आप बिजनेस स्टार्ट करोगे और तुरंत ही आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। चलो, क्या करना पड़ेगा? आपको बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि आपको आपके बिजनेस के जो रिसोर्सेज है, मतलब कि उसके जो एम्प्लॉइज है, प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, मशीनरीज है, पैसा है, टाइम है, वो सब चीजों को आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, तो ही आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो वापिस एक बार, ये बीए का मतलब क्या हुआ? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि हमारा बिजनेस, मतलब कि हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो वो प्रॉफिट हमें तभी मिलेगा कि जब हम हमारे बिजनेस को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। लेकिन आप अपने टेक्स्ट बुक के फ्रंट पे देखो, आपको नाम दिया है OCM। क्या नाम दिया हुआ है? OCM। तो O stands for organization, C stands for commerce and M stands for management। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं कि ये कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? बिजनेस। कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? बिजनेस। और कोई भी बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे और आपको सीधा प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। वहां पे आपको बिजनेस को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। सर, वो तो हम समझ गए कि बिजनेस को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन ये मैनेजमेंट क्या होता है? ये मैनेजमेंट क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूं कि ये मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। वापिस एक बार, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लोगों के पास से काम लेना मतलब कि मैनेजमेंट। लोगों के पास से काम लेना मतलब मैनेजमेंट। और यहां पे मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? तो प्लीज ये टॉपिक को आप ध्यान रख लो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके बीए में हर एक चैप्टर में ये वर्ड आपको दिखने को मिलेगा ही, विच इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कौन सा वर्ड? प्लीज ध्यान देना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ? जहां पे वेस्टेज हमारा कम से कम हो, वेस्टेज हमारा कम से कम हो और प्रॉफिट हमारा सबसे ज्यादा हो, ये सिचुएशन को बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो वापिस एक बार स्टूडेंट्स, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वर्ड को प्लीज आप दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये वर्ड आपको अभी हर एक जगह पे काम आने वाला है, ये चैप्टर में भी और आगे के हर एक चैप्टर में। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये पॉसिबल कब होगा? चलो, ये गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, फिर ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर मिनिमम वेस्टेज, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सब पॉसिबल कब होगा? जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होगा तब। और ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग टूगेदर फॉर अ कॉमन गोल। चलो
वापिस एक बार, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग टूगेदर फॉर अ कॉमन गोल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे सबसे पहले तो हम ये सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब कि बिजनेस को एक अच्छे वे में आप ऑर्गेनाइज करो, उसको मैनेज करो, तब जाके आपको बिजनेस का जो मेन टारगेट है ना, मेन मोटिव जो है ना, प्रॉफिट, वो मिलेगा। लेकिन वापस मैं यहां पे एक बार आपको चीज बता देता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, बीए बोल दो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे इसको बोलते थे बॉम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, हम उसको बोल रहे हैं ओसीएम, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इन शॉर्ट कुल मिला के सब बात एक ही हुई कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें बिजनेस के रिसोर्सेस को उस तरह से यूज करना है जहां पे हमारा वेस्टेज कम हो और वेस्टेज के सामने हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। वेरी क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो अब हम ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ये सब्जेक्ट का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो टॉपिक हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो सो प्लीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी वीडियो को आप भगा के मत देखना, बहुत शांति से देखना। और सबसे पहले मैं आपको एक बात के लिए थोड़ा अलर्ट कर देता हूं कि बीए में हम जब भी वीडियो प्रिपेयर करेंगे, वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, तो वो कंपेयर टू द इकोनॉमिक्स थोड़े लेंदी होंगे और उसकी एक मेथड कैसी रहेगी वो वीडियो देखने की, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज अपना ध्यान यहां पे कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर प्लीज। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो प्लीज यहां पे ध्यान देना, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो वीडियो कैसे रहेंगे और ये चैप्टर को हम कैसे कवर करेंगे उसके लिए मैं आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, एकदम शांति से सुन लो। सबसे पहले तो ये चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर में कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है उसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले टॉपिक को हम क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। दूसरे टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे टॉपिक का नाम क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरे टॉपिक का नाम क्या है? मैनेजरियल फंक्शन। तीसरे टॉपिक का नाम क्या है? मैनेजरियल फंक्शन। ओके, एंड द फोर्थ वन इज फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। चलो स्टूडेंट्स वापिस एक बार प्लीज ध्यान देना, चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसको हमने नाम दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस और मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद का टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद का टॉपिक हमारा कौन सा है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देन अवर थर्ड टॉपिक इज मैनेजरियल फंक्शंस, या तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और हमारा फोर्थ नंबर का टॉपिक है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। तो ऐसे हम हमारे वीडियो की सीक्वेंस रखेंगे। इसमें भी एक और बात है कि ये इंट्रोडक्शन है ना, उसमें हम 2 वीडियोस बनाएंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम 2 वीडियोस बनाएंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल फंक्शंस के हम 2 वीडियोस बनाएंगे, और फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट को हम 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे फर्स्ट चैप्टर के लिए नंबर ऑफ वीडियोस कितने हुए, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वीडियोस हुए, जिसका हम कमांड कैसे देंगे, तो 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1,
3.2 एंड 4.1 एंड 4.2। तो ऐसे हम ये पूरे चैप्टर के वीडियो को कवर करेंगे। एज यू नो कि ये चैप्टर लेंदी है, करीबन 13-14 पेजेस का चैप्टर है, तो हम उसको ऐसे कवर करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हमारा ये चैप्टर, और ये चैप्टर में सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन के टॉपिक को, उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, उसके बाद मैनेजरियल फंक्शन या तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, और उसके बाद फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट को। और मैंने आपको ये सिस्टम भी बता दी कि हम कैसे वीडियो की सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे, तो आप प्लीज जब भी वीडियो देखो तो ये सीक्वेंस को ध्यान में रखना। फिर ऐसा ना हो कि आप पहला वीडियो स्टार्ट कर दो, वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाए और ये बाद में देखो, तो वहां पे आपका मिसकंसेप्शन हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बोल रहा हूं सीक्वेंस को ध्यान में रख के हमें ये वीडियो को देखना है। वेरी क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, यस।